सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 100 दिनों में सरकार ने कैसा काम किया, क्या चुनावों में जो वायदे किए थे उन पर वो खरी उतरी। योगेंद्र प्रशांत के बाद उपराज्यपाल से उलझने के मामले पर दिल्ली केजरीवाल को क्या कहना चाहती है, आज दिल्ली का पसंदीदा नेता कौन है, ऐसे 7 सवालों पर इंडिया न्यूज ने दिल्ली में एक सर्वे कराया और हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी बताएंगी कि हमारे ये सवाल क्या थे और जनता ने जवाब क्या दिए, दिल्ली की जनता से मिले जवाब क्या कहते हैं, ये सब जानेंगे। लेकिन पहले देखिए कि किन सवालों की कसौटी पर हमने केजरीवाल सरकार के इन 100 दिनों को कसा है। मैं अरविंद केजरीवाल, 100 दिन हो गए मुख्यमंत्री पद की शपथ की, लेकिन उन वादों का क्या हुआ जो केजरीवाल ने दिल्ली से किए थे। इंडिया न्यूज की टीम ने पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जाकर त्वरित लाइव सर्वे किया है, लोगों के सामने 7 सवाल रखे हैं, एक एक कर सवाल पूछा, जवाब मौके पर ही रिकॉर्ड किया गया। लोगों ने जो भी कहा उसी के मुताबिक आपको केजरीवाल सरकार के 100 दिनों के कामकाज पर लोगों की राय बताने जा रहे हैं। पहले बारी बारी से देखिए सवाल क्या पूछे गए। क्या केजरीवाल सरकार के अब तक के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? क्या बिजली पानी का वादा केजरीवाल सरकार ने पूरा कर दिया? क्या आपको लगता है कि केजरीवाल ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे वो 5 साल में पूरे कर दिए जाएंगे? क्या केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दिया है? क्या वादों के पूरा न कर पाने के डर से केजरीवाल ने उपराज्यपाल से लड़ाई छेड़ी है? क्या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से बाहर कर केजरीवाल ने तानाशाही वाली छवि बना ली है? आपको आज किस पर ज्यादा भरोसा है? ये पूरा सैंपल 1000 लोगों का है। इंडिया न्यूज की टीम ने पूरी कोशिश की है कि जिन लोगों के सामने सवाल किए गए उसमें हर वर्ग के लोग शामिल हों। बाइक से दफ्तर जाने वाला, कार में चलने वाला, फ्लैट्स में रहने वाले, अवैध कॉलोनी में रहने वाले, हर तरह के लोगों के सामने सवाल रखे गए हैं। जवाब अब बारी बारी से। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जानिए आज के केजरीवाल हुए पास या फेल। आइए पहले 2 सवालों के लिए और उनके जवाब क्या है सीधे चलते हैं चित्रा त्रिपाठी के पास, जानते हैं कि ये 2 सवालों के जवाब क्या है, पहले 2 सवालों के और उनके मायने क्या है। चित्रा, बिल्कुल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है शीतल कि इन 100 दिनों में अरविंद केजरीवाल ने जो वायदे किए थे क्या वो पूरे किए हैं, कामकाज कैसा रहा है और 24 तारीख यानी कि कल वो दिन होगा जब 100 दिन पूरे हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल के। पहला सवाल सीधे हम दे देते हैं और ये पहला सवाल आम आदमी पार्टी के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली के 1000 लोगों के बीच जाकर हमारा ये था, क्या केजरीवाल सरकार के अब तक के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? हाँ में 43% लोगों ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि हाँ हम अरविंद केजरीवाल सरकार के अब तक के कामकाज से संतुष्ट हैं। 50% ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं हम संतुष्ट नहीं है, यानी कि इन दोनों में तकरीबन 7% का अंतर है और 7% ऐसे लोग थे जो बिल्कुल न्यूट्रल रहे, उन्होंने इस पर अपनी स्पष्ट राय जाहिर नहीं की। तो ये हमारा पहला सवाल था कि क्या केजरीवाल सरकार के अब तक के कामकाज से आप संतुष्ट हैं। दूसरा सवाल हमारा और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल 1000 दिल्ली के लोगों के बीच जाकर हमारा ये था, क्या बिजली पानी का वायदा केजरीवाल सरकार ने पूरा कर दिया है? 51% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ अरविंद केजरीवाल ने बिजली पानी का वादा पूरा कर दिया है। 43% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है, जबकि 6% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्पष्ट राय कोई सामने नहीं रखी है। तो ये हमारे 2 महत्वपूर्ण सवाल शीतल जिनका जवाब कुछ इस कदर मिला है। बिल्कुल चित्रा, और इन दोनों सवालों के जो जवाब आए हैं उनके मायने भी लगे हाथ, पहले सवाल के मायने भी लगे हाथ हमारे दर्शकों को बता दीजिए, फिर हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, इसका मतलब क्या है अब हम ये बता देते हैं। दरअसल ये दोनों महत्वपूर्ण सवाल है, हालांकि हमने 7 सवाल पूछे थे और 7 सवाल बाकी के जो हमारे पास है उन पर एक एक कराएंगे, लेकिन जो हमारा पहला सवाल था उसका मतलब केजरीवाल के 100 दिन के कामकाज से ऐसा लगता है कि ज्यादा असंतोष नहीं दिखता, लोग भरोसा करना चाहते हैं। 7% का हां और नहीं में फर्क है, यानी कि कुल मिलाकर भरोसा अरविंद केजरीवाल इन 100 दिनों में अपना लगातार बरकरार रखे हुए हैं। और अब दूसरे सवाल का मतलब हम दिखा देते हैं जो बिजली और पानी के मुद्दे को लेकर हमारा दूसरा सवाल था, इसका मतलब है बिजली पानी के मुद्दे पर केजरीवाल के कामकाज से दिल्ली की जनता
संतुष्ट दिखाई देती है। और सबसे पहले ये दोनों ही वायदे अरविंद केजरीवाल ने पूरे भी किए थे। बिल्कुल, यानी इन दो सवालों के मायने अगर हम जाने, जैसा कि चित्रा ने बताया, तो ज्यादा असंतोष 100 दिन के इस कामकाज का लोगों में दिखता नहीं है। अब इस पर हम अपनी बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ एनके सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ शाजिया इल्मी, बीजेपी की नेता, जुड़ी हुई है। हमारे साथ हारून यूसुफ, कांग्रेस के नेता, और सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सीधे एक छोटा सा रिएक्शन लूंगी सौरभ से, और फिर मैं चलूंगी शाजिया के पास। शाजिया, चाहे जितना भी टकराव हो रहा हो, चाहे बीजेपी जितना भी आरोप लगा रही हो आम आदमी पार्टी पे, लेकिन दिल्ली की जनता कहती है कि दिल्ली की जनता असंतुष्ट नहीं है। उन्हें लग रहा है कि वो अपने वादे पूरा कर रहे और आगे निभाएंगे। पहले फटाफट एक रिएक्शन सौरभ से इन दो सवालों के जवाब पे, और फिर शाजिया। मैं यही कहना चाहूंगा कि 100 दिन बहुत कम होते हैं, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता से जो हमने वादे किए हैं वो पूरे हों। उसमें से बहुत कम वादे अभी पूरे हुए हैं, मगर बहुत सारे वादों पे लगातार काम चल रहा है, और लगातार हम लोगों से संवाद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम उन वादों को पूरा करने के लिए तत्पर हैं। चलिए शाजिया, बावजूद इसके कि लगातार बीजेपी और कांग्रेस विपक्षी दल जो दिल्ली में, वो कहते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी सिवाय नाटक और सिवाय धरने प्रदर्शन उसके सिवाय कुछ नहीं कर रही, कोई वादे नहीं पूरे कर रही, लेकिन दिल्ली की जनता संतुष्ट दिखती है 100 दिन के कार्यकाल से, खासतौर से अगर बिजली की बात करें हम। जी, अगर आप बिजली और पानी सरकारी जो एक्सचेकर है उससे सब्सिडी के तौर पर निकालकर आप दे रहे हैं, यानी कि मिडिल क्लास लोग जो बाकायदा टैक्स अपने अपनी जेब से देते हैं कार्यकाल के लिए, अगर वो मिडिल क्लास लोगों का जो टैक्स है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल सब्सिडाइज करने के लिए गरीब लोगों के लिए फ्री बिजली और पानी में, तो जाहिर सी बात है एक तबका तो इससे बहुत खुश होगा, लेकिन इससे सरकारी एक्सचेकर का क्या होगा ये सोचने वाली बात है। वो तो पहले कह रहे थे कि ये जो बिजली की कंपनियां हैं वो लगातार उनसे पैसे लेंगे, लेकिन बिजली की कंपनियों के खिलाफ तो कोई मामला दर्ज नहीं है, वो तो उतने ही पैसे ले रही हैं। ये तो एक जेब से निकालकर दूसरे जेब में दे रहे हैं, तो जिन जेब को मिल रहा है वो तो बड़े खुश होंगे, जाहिर सी बात है जो बिजली का बिल दे रहे थे वो। लेकिन आप ये देखिए, इतने शानदार मैंडेट के बावजूद 50% लोगों का अभी तो भी मानना है कि वो खुश नहीं है। सौरभ हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत ही भले इंसान हैं, इनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ और मेरे भाई की तरह से हैं, लेकिन तब भी मैं कहना चाहूंगी इतने ढेर सारे वादे और सब वादों पे वादा खिलाफी, अगर आप सस्ते में सब कुछ दे देंगे सरकारी खजांचे से बजाय किसी प्लान के, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग तो बहुत खुश होंगे। आप प्लान के ऊपर उंगली उठा रही हैं दिल्ली की, अब आप प्लान पे उंगली उठा रही हैं, सोचने वाली बात है। पहले ये था कि वादे पूरे नहीं करते हैं, अब ये कि आप कौन सा तरीका इख्तियार कर रहे हैं। जी, आपने सुना नहीं मेरी बात शीतल जी, आपने सुना नहीं शाजिया, नहीं आपने सुना नहीं शीतल जी, आप खुद ब खुद बोल रही हैं, आप समझ नहीं पा रही हैं। मैं शाजिया, मैं आपकी बात समझ गई, अच्छे से समझ गई, मैं आपकी बात से बीजेपी आपकी बात अच्छे से समझ गई, मैं एनके जी से उस पर रिएक्शन नहीं, मैंने बोली भी जी जी एक मिनट शीतल जी और सिर्फ बीजेपी ने। हाँ, देखिए इसमें जो कमेंट किया है शाजिया ने उस पर हम नहीं कोई कमेंट करेंगे, लेकिन फैक्ट ये है कि एग्जैक्टली 54% ने वोट दिया था, और 50% ये कह रहा है कि नहीं हम खुश है बिजली पानी, और यही कोर प्रॉमिस था। आपको जो 54% वोट मिले थे जो कोर प्रॉमिस था वो यही था, और इस पे अगर तीन में, और ये साफ दिखाई देता है, अगले दिन दिखाई देता है कि सरकार आई तो पानी मिले कि नहीं, बिजली सस्ता हुआ कि नहीं, अगर वो 100 दिन तक मुतवातिर दिखाई दे रहा है तो मेरे ख्याल से ये प्लस पॉइंट माना जाना चाहिए, और ये कोर वादा था इसको शायद अमल में लाए हैं। मेरे ख्याल से आगे जो सवाल होंगे उस पर हो सकता है कि पब्लिक का वेरिएशन हो उसके परसेप्शन में, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पे अगर ये जनता मान रही है और 50% मान रही है, 6% कह नहीं सकते, सिर्फ 3% का ड्रॉप है, जबकि आप जानती हैं कि जब सत्ता में लोग आ जाते हैं तो एक एवर्जन पैदा होता है, और जो कह नहीं सकते उनको भी हम टोटली नेगेटिव नहीं मान सकते। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें से आधा तो आप पॉजिटिव माना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से वो इंटैक्ट है अभी, और ये अच्छी बात है कि बिजली पानी को लेकर जो कि इमीडिएट दिखाई देता है, स्कूल के लिए आप कह सकते हैं कि साहब मुझे साल भर तो लगेंगे ही, स्कूल बनाने में अस्पताल बनाने में साल भर लगेंगे, उसके लिए फाइनेंशियल जुटाने हैं, केंद्र सरकार दे नहीं रही है, ये सब आप बहाने कर सकते हैं, लेकिन बिजली पानी अगले दिन ही पता चल जाता है कि पानी आया कि नहीं आया, बिजली सस्ती हुई कि नहीं हुई। बिल्कुल, कुल मिला के यहाँ पे
बिल्कुल सही है कि मतलब गवर्नमेंट कर रही है और इसको मेरे ख्याल से सराहा जाना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल एडवाइस। कांग्रेस के पास चलते हारून यूसुफ साहब, कम से कम इसकी सराहना तो करेंगे कि बिजली पानी की जो मूलभूत चीजों की जरूरत होती है आम आदमी की, इसका वायदा ये लोग करके आए थे, लोग संतुष्ट है, मुतमइन है कि उन तक ये चीजें पहुंच रही है, वायदे पूरे हो रहे हैं। देखिए, जिस पार्टी को 67 सीटें दिल्ली के लोगों ने दी हो और 100 दिन बहुत कम होते, 100 दिन में ये आकलन करना, और अभी जो सिंह साहब बात कह रहे थे सही बात है कि उन्होंने आते ही पानी और बिजली के दाम कम किए, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि बिजली में जब हम सब्सिडी दिया करते थे तो यही आम आदमी पार्टी के लोग कहते थे कि हम पिछले दरवाजे से रिलायंस को पैसा दे रहे हैं, उस समय हम 800 करोड़ देते थे, आज 2000 करोड़ रुपए साल ये दे रहे हैं और उसके बाद एक नया दिल्ली के लोगों को गुमराह करने के लिए ये कहते हैं कि ये पैसा जो है भ्रष्टाचार कम करके हम लाए हैं। तो सौरभ जी मुझे ये बताएं कि जो भ्रष्टाचार कम करके ये पैसा लाए बिजली का, और पैसा कंपनियों को कौन सी मद से जा रहा है? सौरभ इसका जवाब दे, ये सवाल शाजिया का भी था। जी, मैं एक चीज तो ये कहता हूँ कि हर सरकार जब अपना बजट बनाती है वो तय करती है कि कहाँ पे वो सब्सिडी देना चाहते हैं, कहाँ पे वो कटौती करना चाहते हैं, कहाँ पे वो इनकम बढ़ाना चाहते हैं, ये सब सरकार के अपने तरीके होते हैं और 5 साल बाद उन तरीकों के ऊपर वोट पड़ती है। अगर लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आएगा कि भाई तो खजाना लुटा रहे हैं, तो लोग हमको वोट ना देके हमको निकाल देंगे। और अपोजिशन बिल्कुल मुझे लगता है स्वागत करना चाहिए अपोजिशन का कि वो लगातार सरकार को सचेत करते रहे कि भाई हमें ये चीज पसंद नहीं आपकी, हमें ये चीज पसंद नहीं आपकी। और जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे एक्साइज टैक्स कलेक्ट होता है, वैट कलेक्ट होता है, बहुत जगह देखा जा रहा था कि अधिकारी घूस खा लेते थे व्यापारियों से मगर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, मगर जहां पे टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और घूसखोरी कम होगी, निश्चित तौर पे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और एक साल के कलेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जी शाजी, आप संतुष्ट हैं कि सरकार की कमाई बढ़ेगी और एक साल में ये रिफ्लेक्ट होना भी शुरू हो जाएगा? भ्रष्टाचार की बात की इन्होंने, भ्रष्टाचार की जी इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, और पिछली बार यही सरकार उस वक्त में इनके साथ थी और मेरी एडवाइस थी ऐसा ना करने की कि उन्होंने रिजाइन किया था लोकायुक्त को लेकर। लोकपाल तो खैर नहीं बन सकता क्योंकि वो सेंटर के तहत ही बनेगा, लेकिन लोकायुक्त को लेकर इन्होंने अब तक क्या काम किया है, और जितने भी इनके भ्रष्टाचार या फिर फर्जी सर्टिफिकेट्स के मामले रहे हैं, या फिर जितेंद्र तोमर रहे हों या नरेश बालियान रहे हों, या परमिला टोकस के खिलाफ FIR दर्ज हो, या सुरेंद्र कमांडो के खिलाफ 9 विधायकों के खिलाफ 3 महीने में ही FIR दर्ज हुए हैं, और लोकायुक्त अभी तक नहीं आया है, और स्वराज जिसकी एक दिव्य एक स्वप्न दिखाया गया था उसको लेकर आम आदमी पार्टी का क्या प्लान है? क्योंकि बिजली पानी के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा सपना दिखाया गया था लोगों को। बिल्कुल शाजिया, भ्रष्टाचार के मसले पर भी हमने लोगों से सवाल किए हैं, वो भी आगे सर्वे में, हम उसका नतीजा भी आपको दिखाएंगे, तब हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एनके सिंह साहब, जैसा कि हमने सुना सौरभ को, उनका ये कहना था कि आप तरीके पे मत जाइए, अगर कहीं पर कोई क्रिटिसिज्म हो रही है उनके तरीके की, बिजली पानी मुहैया कराने के तरीके पर, वो इसको सुनेंगे और आगे उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका प्रोसेस क्या है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है वो आपने मॉप अप करने के लिए एक कोई मैकेनिज्म तैयार किया, और उसमें आपका कहना है कि अगर करप्शन अधिकारियों पे हम सख्ती करेंगे तो वो जो पैसा अंडर द टेबल लेते थे उसकी जगह वो रेवेन्यू में आएगा, गवर्नमेंट के कॉफर्स में आएगा। बड़ी सिंपल सी चीज है, और उस पर अगर सख्ती की है तो वो रेवेन्यू आएगा। 1600 करोड़ बिजली में जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो ये कहीं ना कहीं से ये ला सकते हैं, लेकिन अभी उसका टेंजिबल रिजल्ट उसका तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बिजली पानी मिल रहा है, बिजली सस्ती है, पानी सस्ता है, पानी मिल रहा है, तो ये और टैंकर्स खड़े हैं, तो कम से कम ये रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं, टेंजिबल जो चीजें होनी चाहिए थी वो सामने दिखाई दे रही है। और जो रेवेन्यू कलेक्शन है ये तो 100 दिन में होता नहीं है, इसके लिए तो पूरा वर्क करना पड़ता है, और रेवेन्यू कलेक्शन कितना आया ये एक साल बाद के बजट में दिखाई देगा, लेकिन जो वायदे किए हैं वो पूरे किए। फिलहाल तो कम से कम लग रहा है कि हाँ ठीक कर रहे हैं। ठीक, एनके साहब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। और जो बात शाजी ने उठाई भ्रष्टाचार की, वो सवाल भी हमने जनता से पूछा कि भ्रष्टाचार पर किस कदर ये लगाम कस पाई सरकार, चित्रा उसका जवाब बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सरकार के 100 दिन पर केजरीवाल।
केजरीवाल सरकार को जनता ने पास किया या फेल, इस पर बड़ा सर्वे आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर। और अब चलते सीधे चित्रा के पास अगले दो सवालों के लिए और उन पर दिल्ली की जनता की क्या राय थी। चित्रा, बिल्कुल, राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाकर तकरीबन 1000 लोगों से हमने बातचीत की है। दो सवाल पहले हम आपको दिखा चुके हैं, उसके जवाब क्या मिले, और अब बारी है हमारे दो और महत्वपूर्ण सवालों की। केजरीवाल पास या फेल, इसमें तीसरा सवाल हमारा था दिल्ली की जनता के बीच में जाकर ये, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल ने चुनाव से पहले जो वायदे किए थे 5 साल में वो पूरे कर दिए जाएंगे। 33% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हां में जवाब दिया है, 52% लोग मानते हैं कि नहीं, 5 साल में वो वायदे पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वायदे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से किए थे। जबकि 15% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं की है, यानी कि कह नहीं सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। दरअसल ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, 5 साल केजरीवाल के नारे भी लगे थे, इसका मतलब क्या है? दिल्ली के लोगों को लगता है कि केजरीवाल ने जैसे वायदे किए हैं वो 5 साल में पूरा नहीं हो सकते, उसके लिए और वक्त चाहिए। यानी कि दिल्ली के लोगों का मानना यही है कि 5 साल में वो तमाम वायदे जिनकी लंबी फहरिस्त अरविंद केजरीवाल ने चुनावों के दौरान गिनाई थी, उसके लिए उन्हें ज्यादा समय चाहिए होगा, 5 साल में वो पूरा नहीं कर सकते हैं अपने वायदे। आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं अपने चौथे सवाल की ओर, और हमारा चौथा सवाल आम आदमी पार्टी के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली के लोगों के बीच में जाकर यह था, क्या अरविंद केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगा दिया है? 39% मानते हैं कि हां लगाम लगा दिया है, 44% मानते हैं कि नहीं लगाम नहीं लगा है और अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, जबकि 17% लोग हैं जिनका कहना है कि इस पूरे मामले में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल हर जगह हर मोर्चे पर अपनी बात रखते रहे हैं, और इसका मतलब क्या है? भ्रष्टाचार पर केजरीवाल के लगाम से दिल्ली की जनता करीब करीब संतुष्ट दिख रही है, हालांकि अभी भी अरविंद केजरीवाल जिस भ्रष्टाचार की बात बार बार वो करते थे, हर चुनावी सभा में करते थे, उस पर उन्हें और कुछ किए जाने की, यानी कि ज्यादा डिलीवर करने की जरूरत है। शीतल, बिल्कुल, और इस पर हम बात करेंगे और बहस करेंगे अपने पैनल के साथ। मैं सीधे इस बीच आपको बता दूं कि हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी जुड़ गए हैं। सीधे सौरभ भारद्वाज के पास चलूंगी, आपके प्रवक्ता है। सौरभ, ठीक है, भ्रष्टाचार के मसले पर करीब करीब जनता आपसे संतुष्ट दिख रही है, लेकिन 5 साल में आप वो काम पूरे कर पाएंगे जिनके आपने वायदे किए, जिनके आपने ख्वाब दिखाए, उस पर जनता को भरोसा नहीं है? जनता को लगता है कि आपने चांद दिखा दिया, चांद बेच दिया उन्हें, लेकिन आप वो पूरा नहीं कर पाएंगे? जी बिल्कुल, दोनों ही बातों के लिए मैं बहुत बड़ी गंभीरता से आपके सर्वे को देख रहा था। मैं आपके चैनल से लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी पूरी कोशिश है कि जितने हमारे वादे हैं इस मैनिफेस्टो में, हम वो सारे के सारे 5 साल में पूरा करें। हाँ, मगर ये जरूर है कि जो सहयोग हमें केंद्र सरकार से मिलना चाहिए था वो सहयोग नहीं मिल रहा, और इस कारण बहुत निराशा है हमारे अंदर भी और जनता के अंदर भी, कि अगर वो थोड़ा सा सहयोग दें, थोड़ा कोऑपरेशन दें, तो दिल्ली के लोगों के सपने जरूर पूरे हो सकते हैं। शाजिया, केंद्र सरकार का सहयोग नहीं है, इसलिए हम 5 साल तक जो हमारे वादे हैं, हमारा मैनिफेस्टो, उस पर पूरी तरह अमल नहीं कर पाएंगे, पूरा का पूरा ठीकरा आपकी सरकार पे फोड़ रहे हैं, आपके प्रवक्ता। देखिए, बिल्कुल, और ये एक्सपेक्टेड ही था, और दिल्ली के लोग भी जानते थे और खुद अरविंद केजरीवाल भी जानते थे कि जो उनका संवैधानिक दायरा है वो सीमित है, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह से स्टेट नहीं है। तो और ये एक्सपेक्टेड था, खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारे के सारे वादे नहीं, कम से कम 50% भी मैं कर लूं तो बहुत बड़ी बात है, यानी कि खुद अरविंद केजरीवाल भी नहीं मानते थे कि ये वादा पूरे हो सकते हैं। और ये भी एक्सपेक्टेड था कि हर तरह से केंद्र सरकार को ब्लेम किया जाए। अगर ये स्पेसिफिक में जाएं और बताएं कि केंद्र सरकार किस तरह से इनको सहयोग करे, क्योंकि वादे तो उन्होंने किए थे, क्या ये केंद्र सरकार के बिहाफ पर ये वादे कर रहे थे? यानी कि जो चीजें मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनके वादों के हिसाब से हर 3 दिन में एक स्कूल खुलना चाहिए, चलिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए, इन्हीं के वादों के हिसाब से हर जगह वाईफाई होना चाहिए, वो इनके वादे थे, तो क्या केंद्र सरकार इनके वादों को कैसे पूरा कर सकता है, ये तो उनको पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शाजिया, मैं राणा यशवंत के पास चलूंगी, हमारे मैनेजिंग एडिटर। राणा जी, क्या क्या वजह है कि लॉन्ग टर्म में केजरीवाल की सरकार पर दिल्ली की जनता भरोसा नहीं करती, आपको क्या लगता है? ये 100 दिनों का मामला है शीतल, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग कितने व्यवहारिक हैं, उनकी समझ कितनी साफ है, ये हमारे सर्वे से साफ होता है। जब हमने पूछा था कि आप काम काज से संतुष्ट हैं, 100 दिनों के भीतर केजरीवाल सरकार ने बिजली और पानी के मुद्दे पर
संतोषजनक काम किया है और उसमें से 43% लोगों ने कहा है हाँ, लेकिन जो 7% लोग हैं जो कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब कि वह संतुष्ट भी नहीं है। यानी कि 50% लोग केजरीवाल सरकार के कामकाज से कमोबेश संतुष्ट हैं। और जब आपने दूसरा सवाल पूछा था कि क्या आपको लगता है कि जितने भी वादे केजरीवाल सरकार ने किए हैं वो 5 साल में पूरे कर दिए जाएंगे, तो लोगों को लग नहीं, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जितनी बातें रखी उसमें बहुत सारी बातें अव्यवहारिक हैं, वो पूरी हो नहीं सकती हैं। इसीलिए 52% लोगों ने कहा कि नहीं, पूरे नहीं हो सकते हैं। जो शाजिया सवाल उठा रही हैं, कुछ सवाल ऐसे थे, कुछ घोषणाएं ऐसी थी। अगर आप घोषणा पत्र को बीजेपी आम आदमी पार्टी के याद करें, घोषणा पत्र के 2 दिन पहले केजरीवाल ने कहा था कि मैं बनिया हूं, मैं धंधा करना जानता हूं। हो सकता है कि चुनाव में उन्होंने इसी लिहाज से या इसी फलसफे के आधार पर अपने वायदे रखे हैं। उन्होंने कुछ वायदे रखे, 15 लाख आप कहां से सीसीटीवी लगा देंगे इस शहर में, यह ठीक नहीं था। 12,000 बसों में आप होमगार्ड बिठा देंगे, अगर बिठा भी देंगे तो फिर उनके लिए सैलरी या वेतन का पैसा कहां से आएगा। यह सारी बातें हैं जो अव्यवहारिक सी हैं और लोग कह रहे हैं इसीलिए कि नहीं नहीं 5 साल में वादे पूरे होते नहीं लगते। दिल्ली की जनता बेहद व्यावहारिक तरीके से पूरे इस मसले को देख रही है। राणा जी, आपके पास और तमाम मेहमानों के पास लौटूंगी, और ब्रेक के बाद जो आज का ताजा तरीन इस वक्त का मुद्दा है कि जो उपराज्यपाल के साथ जंग चल रही है केजरीवाल की, उसके बारे में दिल्ली की जनता क्या कहती है, उसके रिजल्ट, उसका जवाब चित्रा बताएंगे। संतुष्ट दिखती है केजरीवाल सरकार के कामकाज से, बिजली पानी के वायदे से और तमाम बाकी चीजों से, लेकिन लेकिन जो आज के मुद्दे हैं, जो विवाद के मुद्दे हैं, मसलन जो ताजा लड़ाई चल रही है उपराज्यपाल के साथ केजरीवाल की, उस पर दिल्ली की जनता क्या कहती है, इसका जवाब जानते हैं चित्रा से। चित्रा बिल्कुल शीतल, और अगले सवाल पर ही हम आ जाते हैं, और 4 सवालों के क्या जवाब रहे वो अपने दर्शकों को हमने दिखा दिया है, लेकिन 5वां महत्वपूर्ण सवाल, और वो सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर ये है, केजरीवाल सरकार कितने पास या फेल। 5वां सवाल, क्या वायदों के पूरा न कर पाने के डर से उपराज्यपाल से लड़ाई छेड़ी है अरविंद केजरीवाल ने। 50% दिल्ली की जनता ऐसी है जो मानती है कि हां, दरअसल वायदे पूरे नहीं कर पाने के डर से ही केजरीवाल ने उपराज्यपाल से लड़ाई छेड़ी है। 32% लोग मानते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 18% ने जवाब दिया है कि इस पूरे मामले में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ वो भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर 50% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हां, तो इसका मतलब हो जाता है कि आधी दिल्ली मानती है कि केजरीवाल ने जानबूझ, कह नहीं सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ वो भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर 50% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हां, तो इसका मतलब हो जाता है कि आधी दिल्ली मानती है कि केजरीवाल ने जानबूझकर उपराज्यपाल से लड़ाई छेड़ी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायदे हैं जिनको अब तक वो पूरा नहीं कर पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब अपने अगले सवाल पर हम आ जाते हैं, और हमारा 6ठा सवाल था, और ये सवाल भी हो सकता है अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला हो। क्या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से बाहर कर केजरीवाल ने तानाशाह वाली छवि बना ली है? 47% लोग मानते हैं कि हां, इन दोनों को, यानी कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, जो बहुत बड़े नेता आम आदमी पार्टी में थे, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर तानाशाह वाली छवि अरविंद केजरीवाल ने बना दी है। 29% लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं मानते हैं, जबकि 24% हैं उन्होंने कहा है कि कह नहीं सकते हैं। अब इसका भी मतलब जान लीजिए कि इस सवाल का अगर 47% जवाब हां में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है। दरअसल योगेंद्र प्रशांत भूषण के मुद्दे ने अरविंद केजरीवाल की छवि खराब की है, चाहे उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना हो, इस पर अलग अलग आम आदमी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी हो, या एक लंबा दौर दोनों में ही जिस तरह से बात युद्ध का चला था। तो ये हमारा 5वां और 6ठा सवाल था। बिल्कुल धन्यवाद चित्रा, और सवालों के लिए भी आपके पास आएंगे, लेकिन बेहद बेहद अहम बात चित्रा ने बताई, और वो ये कि 50% दिल्ली की जनता ये मानती है कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल से लड़ाई छेड़ी, ताकि जो वो काम नहीं कर पा रहे उसके ऊपर से जनता का ध्यान हटाया जा सके। सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, लाख अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और ये कह दें कि असुरक्षा के भाव से बीजेपी ये करा रही है, हमारी सरकार के खिलाफ ये करा रही है, लेकिन दिल्ली की जनता तो मानती है कि आप मुझको लड़ाई छेड़ रहे हैं। जी मुझे लगता है दोनों ही सवाल जो आपने लोगों से पूछे, और उसके अंदर जो परसेप्शन पार्टी का बन रहा है दोनों मुद्दों पे, वो थोड़ा सा हमारे लिए गंभीर है, और पार्टी को इसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन लोगों से और बेहतर बने। मैं मानता हूं कि कुछ जो कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं वो बहुत बेहतर नहीं है हमारे लिए, तो हमें अपने कुछ इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन चैनल्स बनाने पड़ेंगे, जिससे हम जनता के मन में एक सही परसेप्शन भी बना सके। बट ये हमारे लिए गंभीर बात है। बिल्कुल शाजिया, इससे कुछ राहत तो आपको मिली होगी कि दिल्ली की जनता तो आपको गुनहगार नहीं मानती। फिर हारून यूसुफ जी से भी इसी पर रिएक्शन।
नहीं नहीं बात हमारी जी 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 इतनी हमारी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी सौरभ को कि एक अच्छी शुरुआत ये होगी कि वो बाउंसर्स को बुलाकर पिटाई विटाई ना कराएं, तो इससे बजाय कि संचार के और रास्ते ढूंढे, कम से कम बाउंसर्स को बुलाकर पिटाई ना कराएं, तो उससे बहुत फायदा होगा उनकी इमेज का। हारून यूसुफ जी, दिल्ली की जनता ये मानती है कि एलजी के साथ जानबूझकर एक अच्छी पहल हो सकती है, जानबूझकर अरविंद केजरीवाल ने ये लड़ाई जो है ये छेड़ी है, और साथ ही उनकी नेगेटिव छवि बनी है केजरीवाल की तानाशाही वाली, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को जिस तरह से पार्टी से बाहर उन्होंने किया। देखिए शीतल जी, अगर पिछले 10-12 दिनों का घटनाक्रम आप देखें तो जो नाकामियां में हैं उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, और सौरभ भाई अच्छे आदमी हैं, लेकिन इनके यहाँ एक कोई ट्रेनिंग दी गई है कि जब तुम चैनल पे जाओ या पब्लिक में जाओ तो हर चीज पर माफी मांग लो और ये कहो कि हम सीख रहे हैं। इसकी तारीफ कीजिए ना, जंतर मंतर इसकी तारीफ कीजिए, ये अच्छा साइन है। राजेंद्र सिंह ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, कम से कम ये तो करने लगे अब, ये तो हम सिखा रहे हैं भाई, इसकी तारीफ ये तो एक्सपर्ट है इसके। आज दिल्ली का जो हाल है, जो अभी हम बात कर रहे थे, जब अरविंद केजरीवाल जी स्वयं कहते हैं कि मैं आधे से भी ज्यादा वादे पूरे नहीं कर सकता, दिल्ली में आज जो ट्रांसपोर्ट की हालत है, दिल्ली में आज जो स्कूलों की हालत है, बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं पेंशन के लिए, लेकिन ये हर जगह बेचारे बन के खड़े हो जाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है। अभी 100 दिन हुए, इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई लंबा चौड़ा वक्त गुजरा है, और डेमोक्रेसी में समय देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि बजाय इस तरह के नाटकबाजियों के और अपने आप को बेचारा और शहीद साबित करने के, जो दिल्ली की समस्याएं हैं मूलभूत, उनके ऊपर काम करें। 15 साल हम सरकार में रहे हैं, ठीक है, आपने 15 आप... साल में दिल्ली की तस्वीर बदली है। मुझे दिलचस्प लगा आपका ये कहना कि लोकतंत्र में वक्त देना चाहिए, क्या हम उम्मीद करें कि केंद्र सरकार को भी आप वक्त देंगे, जिनको लगातार आपकी पार्टी घेरती रहती है। एनके सिंह साहब, ये जिस तरह से दिल्ली की जनता ने जो तानाशाही वाला मसला है, हो चुका है उपराज्यपाल वाला मसला है, उसको लेकर जनता ने कटघरे में खड़ा किया केजरीवाल को, लेकिन भ्रष्टाचार और मूलभूत जो चीज वो कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट कर रहे, तो व्यावहारिकता की पराकाष्ठा है ये। नहीं देखिए, जनता कितनी समझदार है, बड़ा बढ़िया अभी कहा, कितनी समझदार है कि बिजली पानी उसने कहा साथ मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है और वो एक अच्छा संतुष्ट रहा उस पर, लेकिन जबरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट है, और 100 दिन में इतना बड़ा फॉल हो तो मुझे चिंता है कि अगले दिन अगर ये लोग जल्दी नहीं समझते हैं तो चीजें बहुत बिगड़ जाएंगी। क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट देखिए, जब आप करप्शन पूछती है तो जो पार्टी करप्शन के बुनियाद पर आई है, आज उसको लेकर ट्रस्ट नहीं है जनता में कि नहीं ये करप्शन खत्म कर पाएगी, करे नहीं साहब नहीं खत्म कर पाएगी, लेकिन फिलहाल कर पा रही है ऐसा जनता कह रही है। नहीं नहीं फिलहाल कर पा रही वो तो कुछ चीजों में है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत तेजी से आ रहा है। ये आप चारों क्वेश्चन एक साथ मिला लीजिए, और जो ये कह रहे हैं सौरभ कि साहब, पूछा गया कि साहब करप्शन कैसे खत्म करेंगे, उन्होंने कहा साहब केंद्र पैसा नहीं दे रही है। अरे केंद्र के पैसा से करप्शन का क्या मतलब है, करप्शन आपको खत्म करना है, आप ही से बुनियाद पे आए हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी से खत्म करें। ये जो लड़ाई वड़ाई है ये शुरुआती दौर पे अच्छी लगती थी जनता में जाने के लिए, क्योंकि जनता 65 साल के सिस्टम से नाराज है, ठीक है, लेकिन आज जब आप ये कर रहे हैं और आज आप फिर से इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज कर रहे हैं, आपका 3 महीना तो इस बात पे कट गया कि मीडिया नालायक है, इंस्टीट्यूशंस नालायक है, एलजी नालायक है, वगैरह प्रशांत भूषण नालायक है, तो इसलिए मेरे ख्याल से इसको बदलना पड़ेगा। इस बीच हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत एक बार फिर जुड़ गए। राणा जी, जिस ट्रस्ट डेफिसिट की बात एनके सिंह जी कह रहे हैं, यानी विश्वास की कमी, आप भी उसे महसूस कर रहे हैं जनता के इस सर्वे को देखते हुए? शीतल, मैं थोड़ा सा अलग महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि वे सारे सवाल अभी तक आपने जितने दिखाए हैं उनके नतीजे आपने दिखाए हैं, उसको देखते हुए 2-3 बातें मैं आपको कहूंगा। एक ही 100 दिनों के भीतर अरविंद केजरीवाल ने जिन बातों को पूरा करने का वायदा किया था उसमें बिजली और पानी बड़े मुद्दे थे। इनके आधार पर उन्होंने अपना काम किया है, लोगों को लगता है कि यह काम तो उन्होंने कर दिया है, उनके काम काज से लोग फिलहाल संतुष्ट हैं। जब हमने कहा था करप्शन का मामला हमने क्या है, तो उसमें 17% लोग मैं देख रहा हूं कि उन्होंने कहा कि हम कुछ कह नहीं सकते, 39% लोग कहते हैं हां कर दिया, तो एक आधी आबादी से ज्यादा, यानी जितना सर्वे सैंपल हमने लिया था उस सैंपल में आधा से ज्यादा लोगों ने कहा कि हां हमने कर दिया है।
दो मोटी बातें हैं। जब आप कहते हैं कि केंद्र से टकराव आप मोलते हैं तो लोगों को लगता है, लोग इतने बेवकूफ नहीं है, जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है और टेलीविजन चैनलों पर जब हम बहस लेकर के आते हैं तो उन प्रावधानों का जिक्र करते हैं, बताते हैं कि देखिए इसमें उपराज्यपाल की स्थिति क्या होती है और अरविंद केजरीवाल जो कुछ भी कर रहे हैं वो संविधान के दायरे से, संविधान की मर्यादा से शायद बाहर है, और लोगों को यह बात समझ में आती है, इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं जानबूझ करके आप टकराव मोलते हैं। हालांकि हमने ये नहीं पूछा कि इसकी वजह क्या है, लेकिन जब हम उनसे ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण वगैरह को निकालने का मामला कैसा है, तो लोग कहते हैं हाँ डिक्टेटर की छवि है। यानी कि इस देश में जो मानसिकता है ममता बनर्जी की, जयललिता की, मायावती की, मुलायम सिंह की, हमने माना है कि इस तरह की मानसिकता का नेता होता है और इस तरह के नेता के जरिए पार्टियां चलती हैं, यह कोई बड़ा मामला नहीं है। आप ठीक है, आपने कर दिया, ठीक है, हम मानते हैं आप डिक्टेटर है, ठीक है, लेकिन जब आप काम बेहतर करते हैं तो हम आपके हक में खड़ा रहते हैं। और केजरीवाल को यह बात ठीक से पसंद आती है, इसलिए आप देखिएगा जितनी बड़ी बातें हैं जो वोट से जुड़ी हुई हैं, जो लोगों से जुड़ी हुई हैं, उस पर केजरीवाल काम कर रहे हैं। इररेगुलर कॉलोनीज का जो रेगुलेशन का मामला है उसका पायलट प्रोजेक्ट काम, उस पर काम चल रहा है। वहां वोट का मामला है, पानी वोट से है, बिजली वोट से है, इरेगुलर कॉलोनीज का मामला वोट से है, इसलिए जहां जहां वोट है वहां वहां केजरीवाल फोकस्ड हैं। लेकिन इससे आम जनता को तो फायदा हो ही रहा है, अगर हम इसको लाजमी है। उन्होंने अगर कहा था कि मैं बनिया हूं, धंधा करना जानता हूं, या केजरीवाल पांच साल केजरीवाल, तो यह केजरीवाल अपने आप को उन्होंने बेचा था तो इसलिए बेचा था कि उनके पास लोगों का भरोसा था और उस भरोसे के आधार पर उन्होंने एक तूफान खड़ा किया दिल्ली में और इस सुनामी को लेकर के दिल्ली के तख्त पर बैठ गए हैं। उनको यह लगता है कि दुनिया को जो कहना है कहे, मीडिया को जो कहना है कहे, आप लोगों के मसाइल और लोगों के बुनियादी सवाल से जुड़े रहिए, उन पर काम करते रहिए, आपके पास वोट बना रहेगा और आप रहेंगे। केंद्र से लड़ाई उनकी इसलिए है कि मोदी के समानांतर अपने आप को हमेशा खड़ा करना चाहते हैं ताकि राहुल गांधी वो जगह कब्जा ना कर पाए जो बीजेपी के इतर इस देश की सियासत में पड़ी हुई है। शाजिया, क्या आप भी इस मत से सहमत हैं कि उनके लिए अपने आप को मोदी के समानांतर रखने के लिए केंद्र के साथ लड़ाई को ज्वलंत रखना जरूरी है? बिल्कुल, तो एक सोची समझी एक उनकी प्लानिंग है, इसीलिए आप देखते हैं कि गजेंद्र सिंह को बुलाया जाता है राजस्थान से, जबकि स्टेट कॉम्पेंसेशन का जो पूरा मामला है तो उसके खिलाफ तो वसुंधरा राजे जी के पास जाना चाहिए था। अब दिल्ली में आकर आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी के खिलाफ नैरेटिव करना है, बिल्डअप बनना है, क्रिएट करना है, तो आप वो कर रहे हैं। लेकिन मैं राणा जी के बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वो जानते हैं, जैसे कि खुद ही कहते हैं कि वो बनिया है, तो आटे दाल का भाव जानते हैं, वो जानते हैं जो सारे मुद्दे हैं बिजली पानी जैसे, इसके लिए अगर उनको पूरी फ्री में ही देनी क्यों ना पड़ जाए बिजली, और सरकार को उसका खजाना खाली करना हो, वो करने को तैयार होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जरूरी है। उनके लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं है इकोनॉमी का, या फिर वैट के सिंप्लीफिकेशन का, या फिर किस तरह से वो पैसा आएगा, ये बहुत सोच समझ कर जहां जहां जरूरी है वहां पर हाथ डालते हैं। उनको मालूम है कि गैमलिन को किसी ब्यूरोक्रेट को आप बुरा भला कह दें, एलजी को बुरा भला कह दें, तो उससे फर्क नहीं पड़ना है। असली वोटर तो झुग्गी झोपड़ी वाला है, रेड़ी पट्टी वाला है, ठीक, ऑटो वाला है, ठीक, उसको फिट रखो, फ्री में करो। ये अलग बात है कि आपने कहा ये था कि बिजली कंपनी को देना पड़ेगा ये पैसा, आप पैसा खुद ही दे रहे हैं, लेकिन लोगों को उससे क्या मतलब, उनके लिए तो बिजली का बिल आता आ रहा है। ठीक ठीक, मैं सौरभ के पास भी आऊंगी, लेकिन हारून यूसुफ से इस पर एक रिएक्शन लेना बेहद दिलचस्प होगा। हारून, ताकि राहुल गांधी वो जगह ना भर ले, राहुल गांधी वो जगह ना भर ले, इसलिए नरेंद्र मोदी के साथ लड़ाई को जिंदा रखना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस क्या सोचती है इस पर? देखिए, देश ने उनको पिछले दो तीन वर्षों में देखा है, और सपने के सौदागर कोई भी सपना देख सकते हैं। राहुल गांधी इस देश के नौजवानों का एक सोच है, एक विचार है, और जिस तरीके से वो मुद्दों को उठाते हैं बहुत गंभीरता के साथ, देश का नौजवान उनकी तरफ देख रहा है और उनके नेतृत्व में काम करना चाहता है। अब ख्वाहिशें तो हर एक की बहुत सारी हैं, अब केजरीवाल भी पहले चुनाव में और दिल्ली चुनाव में दिखा रहे हैं। ठीक है, सौरभ कुछ कहना चाह रहे हैं? सौरभ, देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे दौर देखे हैं जी। मैं आजकल ऐसा लगता है जब हम कोई बहस में जाते हैं, भ्रष्टाचार के अगर आम आदमी की पार्टी की बात करें तो वो कहते हैं 67 हमारी है। ठीक है सौरभ, सौरभ जल्दी से जवाब दीजिए, आप जो कहना चाह रहे हैं, फिर मुझे ब्रेक लेना है। भ्रष्टाचार के सर्वे के ऊपर मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ये देना चाहूंगा।
दिल्ली जो केंद्र से जबरन लड़ाई छेड़ते हैं गाहे बगाहे उसका जवाब दीजिए। एमसीडी से संबंधित है और डीडीए से संबंधित है और केंद्र सरकार जबरदस्ती इन तीनों संस्थानों को प्रोटेक्ट कर रहा है और हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो के दायरे से बाहर ला रहा है। यही कारण है कि हम दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार पे, डीडीए के भ्रष्टाचार पे और एमसीडी के भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगाना चाहते और इस कारण से भ्रष्टाचार के ऊपर जो लगाम लगनी चाहिए थी इलेक्शन लड़ने से पहले भी। चलिए 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 आप लोगों के पास लौटूंगी, सभी के पास लौटूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूं और ब्रेक के बाद यक्ष प्रश्न, सबसे बड़ा सवाल कि राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल में तीनों में सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करती है दिल्ली की जनता, क्या है सर्वे के नतीजे, चित्रा बताएंगे। सबसे बड़ा सर्वे आप देख रहे हैं और अब तक केजरीवाल सरकार पास होती दिख रही है उन मुद्दों को छोड़कर, विवादास्पद मुद्दों को छोड़कर जिन पे जनता मानती है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया, उनसे उनकी नकारात्मक एक छवि बनी है, चाहे वो योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण को पार्टी से निकालने का मसला हो या जो मौजूदा उनकी जंग है उपराज्यपाल के साथ। सातवां और आखिरी सवाल, सबसे अहम सवाल और उसका जवाब और उसके मायने चित्रा से। बिल्कुल सीधे सातवें सवाल का ही हम रुख कर लेते हैं और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल है। 24 तारीख को 100 दिन केजरीवाल सरकार की पूरे हो रहे हैं और एक साल पूरे हो रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के 26 मई को। और देखिए जो हमारा अगला सवाल था कि आपको आज किस पर ज्यादा भरोसा है, नरेंद्र मोदी पर 50% दिल्ली की जनता अपना भरोसा जताती है, यानी कि लोकप्रियता के मामले में, भरोसे के मामले में नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल पर 32% दिल्ली की जनता अपना भरोसा कायम करती है, यानी कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच 18% का गैप है। नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के मामले में और भरोसे के मामले में टॉप पर बने हुए हैं 50% लोगों के भरोसे के साथ, जबकि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से 14% कम, यानी कि 18% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि राहुल गांधी पर उनका भरोसा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी केजरीवाल से ज्यादा लोकप्रिय दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हमने देश में देखा था एक साल पहले। हालांकि एक साल के बाद भी लोकप्रियता के मामले में गिरावट नहीं आई है नरेंद्र मोदी की और 50% लोग दिल्ली के ऐसे हैं जो मानते हैं कि भरोसे में नरेंद्र मोदी केजरीवाल से कहीं ज्यादा आगे हैं। शीतल, बिल्कुल नरेंद्र मोदी अभी भी केजरीवाल से भरोसे में कहीं ज्यादा भारी हैं, 50% दिल्ली की जनता उन्हें ज्यादा, उन पर ज्यादा भरोसा करती है। सीधे चलूंगी सौरभ के पास। सौरभ, चाहे लाख आप कह लें कि सेंटर ने ये नहीं किया, केंद्र सरकार ये नहीं कर रही, लेकिन अब भी नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल पर कोसों भारी है। जी मैं बिल्कुल इसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के मीडिया मैनेजमेंट को दूंगा। वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, अच्छा अपना प्रचार करते हैं और हमारी पार्टी के पास बिल्कुल इतने रिसोर्सेज नहीं है कि अपना प्रचार अलग अलग टेलीविजन या अखबारों के माध्यम से हम कर पाएं, तो इसके अंदर हमारी कमी है। राणा जी, इससे ज्यादा हास्यास्पद बयान मुझे लगता नहीं कोई हो सकता है। मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, उसकी दुहाई दे रहे हैं आपके नेता। कोई दो राय नहीं, इस देश में राजनेताओं को मीडिया मैनेजमेंट का हुनर जो है वो तो अरविंद केजरीवाल ने सिखाया है। नरेंद्र मोदी के ऊपर अगर इस तरह का तमगा जाता है, और वो भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से किया तमगा, आपको हम देते हैं क्योंकि आप बहुत बेहतर मीडिया मैनेज करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें हैरत होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अभी तक जो काम किया है इसका मतलब लोगों के बीच में भरोसा है। आपके हक में अगर कोई बात आती है तो आप कहते हैं कि बहुत अच्छा, आपके खिलाफ जाती है तो कहते हैं कि अरे मीडिया मैनेजमेंट है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बहस बहुत संतुलित होनी चाहिए और मर्यादित होनी चाहिए और स्वस्थ तरीके से होनी चाहिए। मोदी का भरोसा भी लोगों के बीच में है और वह यह सर्वे हमारा दिखाता है। बिल्कुल शाजिया, शाजिया और उसके बाद हारून जी आपके पास। जी मैं एक सौरभ जी से पूछना चाहूंगी ये सवाल कि जो अभी इसी चैनल पर जिसपे वो और हम मौजूद हैं इंडिया न्यूज पर, उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि बिजली और पानी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया है, क्या ये नरेंद्र मोदी के मीडिया मैनेजमेंट का असर है कि आपके मीडिया मैनेजमेंट का असर है? सौरभ जल्दी से जवाब दें और फिर हारून साहब आप, और एक क्विक कॉमेंट चलते चलते मैं इनके साथ। देखिए वो तो हमारे काम का असर है, मगर जो दिन रात विश्व पर्यटन की खबरें पूरे दिन टेलीविजन चैनल पे दिन रात चलती हैं उसको मीडिया मैनेजमेंट जरूर कहा जा सकता है। चलिए चलिए चलिए, हारून यूसुफ साहब, पदयात्रा के बावजूद, संसद में जबरदस्त बयान के भाषण के बावजूद राहुल गांधी सिर्फ 18% लोगों की पसंद दिल्ली में। देखिए मैंने अभी सही कहा है,
राणा साहब ने कि मीडिया मैनेजमेंट में दोनों की महारत है और सबसे ज्यादा दोनों ने मिलकर जख्मी कांग्रेस को किया। और जो ईमानदारी और भ्रष्टाचार की बात सौरभ भारद्वाज जी कर रहे थे, अभी 300 दिन हो गए हैं, ना लोकायुक्त अपॉइंट हुआ है ना लोकपाल बिल आया है, और ये दोनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, आपने फिर भी राहुल गांधी के सवाल का सीधा जवाब दिया कि केवल 18% जनता ही क्यों अब भी उन्हें एक्सेप्ट कर रही है, उन्हें स्वीकार कर रही है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। शाजिया आपका, हारून जी आपका, सौरभ आपका, एनके सिंह साहब आपका और राणा यशवंत हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े थे और चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी जो लगातार हमें बता रही थी कि सर्वे के नतीजे क्या आए। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।